तहरीके अलीगढ़ या अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, आज का टॉपिक है, जो कि सर सैयद अहमद खान ने लीड की थी। वो ही थे ऐसे बंदे जो देखते थे कि मसले मसाइल बहुत ज्यादा मुसलमानों के लिए, और अगर ये मसले मसाइल हल ना किए गए तो मुसलमानों का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू और अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों को तो कुचल देने के दर पे थे ना, क्योंकि जंग आजादी हुई थी 1857 में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश रूलर्स को लगा कि मुसलमान ही हमारे अगेंस्ट है और हमने इनसे ताजो तख्त लिया है तो ये वापस लेना चाह रहे हैं, और ये वापस लेना चाह रहे हैं तभी इन्होंने जंग छेड़ दी थी, और जंग में इनको जब शिकस्त हुई है तो हम इनको क्रश कर दें, अगर हम इन्हें क्रश नहीं करेंगे तो हम क्रश हो जाएंगे। तो ये हम आज डिटेल में देखेंगे। मैं सुबह शहजाद सर सैयद अहमद खान, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान का ही इनिशिएटिव था, तो यही लीडर थे, इन्होंने मुसलमानों को अपनी मतलब जो तहरीक अलीगढ़ है इसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन देने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, ठीक है, और ये चाहते थे कि मुसलमान जो है वो उनका अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाए ब्रिटिश रूलर्स के साथ, ठीक है, और जो मुसलमानों के जो राइट्स उनसे छीन लिए गए ना वो सबके सब राइट्स उनको वापस मिले, क्योंकि जैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई थी ना तो हिंदू तो बहुत चलाक हो गए ना, उसने क्या किया कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ब्रिटेन जो रूलर हैं उनको ये यकीन दिला दिया कि हमारा तो कोई हाथ था ही नहीं, ये जो मुसलमान है ना इन्होंने हमें बरगलाया था, हम तो जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे आपसे, ये इन्होंने जंग लड़ी है आपसे और ये ही आपके असली गुनहगार है, ठीक है। तो वो इस चीज को मान गए और मुसलमानों के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। जुल्म कैसा होता था कि जितने भी मुसलमान थे ना, एक तो उनसे जायदादें जब्त करी, सारी की सारी मुसलमानों की उनकी जायदादें जब्त करी, उनको उनकी जमीनों पर ही मजारे बन के काम करना पड़ा जिसके वो मालिक थे, ठीक है, मतलब जितने भी और मुसलमान काश्तकार थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए गए, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए, इलीगल टैक्सेस लगाए गए, जिससे क्या हुआ कि पॉवर्टी प्रिवेल हो गई उन लोगों में जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में थे। दूसरा कि जी जो गवर्नमेंट जॉब्स थी जिनके एड जाते थे उन पे स्पेशली लिखा होता था कि कोई मुसलमान इसमें अप्लाई ना करे, ठीक है, और हिंदू कौम को खास तौर पे मराद दी जाती थी, उनके लिए स्पेशल कोटास होते थे जिनपे उनको भर्ती किया जाता था। तो गवर्नमेंट जॉब्स के भी दरवाजे बंद, मुसलमान क्या करें, जमीनें भी हाथ से गई, गवर्नमेंट जॉब्स भी हाथ से गई, फिर क्या हुआ कि मुसलमानों को एजुकेशन तो थी नहीं, जो मॉडर्न एजुकेशन थी, जो इंग्लिश एजुकेशन जो आ रही थी तो वो भी नहीं दी, और जो मुसलमानों के औकाफ थे, मदरसे खुले हुए थे, रफाही दारे थे, उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया बहुत सारी जगहों पे, जैसे उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता था, ठीक है, और औकाफ की मतलब जो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने वक्फ कर दी होती ना अपनी जायदाद या जमीन के, मस्जिद बना ले, मदरसा बना ले, या इस पर से जितनी भी आपको प्रॉफिट आता हो ये मस्जिद में जाएगा, मदरसे में जाएगा, वो सब आमदनी रोक दी, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि वो बंद होने लग गए, जब पैसा ही नहीं मिल रहा, फंड ही नहीं मिल रहे, तो वो मदरसे बंद हो गए बहुत सारे, मुसलमान कहाँ जाए, उनके मदरसे बंद हो गए, वो एजुकेशन भी नहीं ले सकते, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मुसलमान जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडस्ट्री में काम करते थे, उनके साथ ये हुआ कि वो जो अपनी जो प्रोडक्ट बनाते थे ना उसके ऊपर अंग्रेजों ने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए, जिससे मार्केट में वो महंगी होके बिकने लगी, और जो ब्रिटेन से आती थी ना इम्पोर्ट होके वो सब बहुत सस्ती थी, और वो इम्पोर्टेड मतलब एक तरह से ब्रांड था, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट थी, तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते थे। तो क्या हुआ, इस तरह इंडस्ट्री भी बंद होने लगी, तो मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं था इकोनॉमिकली। फिर उनकी जबान पे भी अटैक किया गया, फारसी की जगह जो है अंग्रेजी को जो ऑफिस लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया वो वहां यूज होती थी, तो मुसलमानों की लैंग्वेज भी सेम ही रही। तो इन नेचुरल की मुसलमान बहुत 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 बुरे हालात में अब जिंदा थे उस वक्त। तो सर सैयद अहमद खान ने जब ये सब चीजें देखी ना तो उनको लगा कि किसी को तो उठना चाहिए, उन्होंने लेकिन किसी लीडर का इंतजार नहीं किया, वो खुद एक लीडर बन गए, और मतलब इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट की जिससे क्या हुआ कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली, एजुकेशन वाइज, सोशली अपलिफ्ट मिला, ठीक है। ये सर सैयद की एफर्ट्स थी जिन्होंने हमें पाकिस्तान के लीडर्स प्रोवाइड किए, कायदे आजम, अलामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, ये सब पाकिस्तान के जो पाकिस्तान मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो सब कहाँ से आए, ये तहरीक अलीगढ़ का नतीजा थे। अगर अलीगढ़ ना होता ना तो पाकिस्तान भी ना होता, ठीक है, सर सैयद अहमद खान की एफर्ट्स थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। अगर सर सैयद अहमद खान ना होते तो समझ लें कि पाकिस्तान ना होता। तो
तो उससे सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए, ये सब एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक सिविल सर्वेंट बने, और क्यों इन ये बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश कॉम की नजर में नजरों का तारा बन गए थे, और इन्हें सर का खिताब दिया गया था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई थी ना, तो कुछ हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, जंग तो चल रही थी, उन्होंने अटैक कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स की फैमिली पे, उनके बच्चे और बीवी थे। तो सर सैयद अहमद खान आगे आगे उन्होंने मना किया कि ये तो निहत्ते लोग हैं, आप इन औरतों और बच्चों पे क्यों हथियार उठाते हैं, आपने लड़ने तो फोर्स के साथ जाके लड़ो, मिलिट्री के साथ जाके लड़ो, सोल्जर्स के साथ जाके लड़ो। तो इन्होंने उनको बचा लिया। जब इनको बचा लिया तो वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने इनको सर का टाइटल दिलवाया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये एक तरह से फिर उनकी आंखों का तारा बन गए, और ये सिविल सर्विस में भी रहे थे, जैसे मैंने बताया कि सिविल सर्वेंट थे तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, तो फिर इनकी बात सुनी भी जाती थी। 1867 में जब उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी ना, तो इनको समझ आ गया कि भाई हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ये जबान का तनाज़ा नहीं है, ये दोनों के कल्चर ही मुख्तलिफ है, एक गाय को पूछता है तो दूसरा गाय को खाता है, ठीक है। एक ये यकीन रखता है कि खुदा एक है, और एक ये यकीन रखता है कि हर चीज ही खुदा है, ठीक है। तो ये जो है दो नेशंस है, इनके हीरोज बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हमारा शहाबुद्दीन गौरी जो हमारा हीरो है, वो उनके लिए वलन है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से उनकी लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हमारे लिए वलन है तो उनके लिए हीरो है। तो हमारे हीरो उनके विलन है और उनके हीरो हमारे विलन हैं, ठीक है। तो हम कभी नहीं साथ रह सकते। तो उन्होंने फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था, उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद टू नेशन थ्योरी इनके दिया हुआ था, जिसकी बुनियाद पे हमने पाकिस्तान को हासिल किया, ठीक है। फिर जब ये 1869 में गए इंग्लैंड, तो वहां इन्होंने वहां का एजुकेशन सिस्टम देखा, इतना प्रैक्टिकेबल था, इतना अच्छा था, इतना लॉजिकल था कि वो बहुत इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने सोचा कि मैं वापस जाऊंगा ना अपने मुल्क में, तो इस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करूंगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन बनाए थे। 1878 से लेके 1882 तक ये अहम है एमसीक्यू के हवाले से, 78 से लेके 82 तक तकरीबन 4 से 5 साल बनते हैं, इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी खिदमत सर अंजाम दी, ठीक है। ये एक तरह से ना लेजिस्लेचर था वहां का, इंडिया का, जब सब कॉन्टिनेंट का लेजिस्लेचर था तो उसका पार्ट रहे, कानून बनाते थे, ठीक है। लेजिस्लेचर में बैठने वाले लोग लेजिस्लेशंस करते हैं, तो ये उसका पार्ट थे। 1887 में जॉइंट सिविल सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, फाइन। फिर जो है ये मैंने क्या लिखा है, 1896 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। कंफर्म की इनकी डेथ मैंने क्या लिख दी। फिर उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस मूवमेंट के, सबसे पहले तो ये चाहते थे कि इस्लाम को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उस टाइम पे इस्लाम पे बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे, 1898 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। अच्छा, इस्लाम को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे क्योंकि बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट थे जो इस्लाम के खिलाफ लिख रहे थे, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात कर रहे थे। तो इन्होंने जो है इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कलम भी उठाया, अपनी जबान भी इस्तेमाल की, और मुसलमानों में एक तरह से इस जज्बे को इनकॉर्पोरेट किया कि आप मुसलमान हैं, ठीक है, और मुसलमान रहकर सोचें एज अ मुस्लिम रैशनल हो, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश लोग गवर्नमेंट में थे तो मुसलमानों के साथ उनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा मुसलमानों को ही तंग कर रही थी, तो इन्होंने एक कोशिश की कि मुसलमानों की और ब्रिटेन की जो दुश्मनी है, एनमिटी है, वो खत्म हो जाए। देन एक हार्मनी लाने की कोशिश की मुसलमानों में साइंस और लॉजिक के हवाले से, ठीक है, क्योंकि मुसलमान उस टाइम पे साइंस और लॉजिक से बहुत दूर थे, तो उस चीज को ये लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और जब हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारा रिलीजन इस्लाम है, तो जब आप इस्लाम को ब्लाइंडली फॉलो करो ना, बगैर समझे, तो आपकी लॉजिक और साइंस के साथ कोई हार्मनी हो ही नहीं सकती ना। लेकिन जब आप इस्लाम को अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि इस्लाम जो है हर लिहाज से जो दुनिया के तमाम कानून है उसके मुताबिक ही है, या समझ रहे कि इस्लाम के मुताबिक दुनिया के तमाम कानून है।
तो एक हार्मनी लाने की कोशिश की साइंस और रिलीजन के बीच बीच में. फिर उनकी मूवमेंट का जो फोकस था वो था रैशनल इनलाइटेंड वे ऑफ लाइफ. अब ये रैशनल इनलाइटेंड वे ऑफ लाइफ यही है कि आप लॉजिकली सोचें, इमोशनली एक्ट ना करें, हर चीज को समझें, फिर उसका रिस्पॉन्स लें, ना कि गुस्सा आया तो बस अन्नी पा दो, ये नहीं करना. ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को प्रेशराइज किया, पुश किया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखें लेकिन उर्दू को ना छोड़ें. मतलब आप ये ना कोशिश करें कि भाई आपने अंग्रेजी सीख लिया तो आप अंग्रेजी में ही बात करें और उर्दू से आपका कोई सरोकार नहीं. नो, डोंट डू दिस. इंग्लिश भी सीखें और उर्दू को भी मेंटेन करें. ठीक है, अपनी लैंग्वेज अपनी ही होती है. देन एजुकेशनल सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की. अब एजुकेशनल सर्विसेज में सबसे पहले क्या है, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आठवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान ने क्या किया. इसको अगर टाइम लाइन के हिसाब से याद रखेंगे ना तो ये सारी चीजें याद रहेंगी बहुत आसानी से. ठीक है, डेट्स बिल्कुल नहीं भूलती. सबसे पहले 59 में इन्होंने मुरादाबाद में एक स्कूल का किया था जिसका नाम था गुलशन. ये एमसीक्यू में आ सकता है, हमने कभी नहीं पढ़ा कि इनके स्कूल का नाम क्या था. गुलशन पार्क के नाम स्कूल का नाम मुरादाबाद में स्टैब्लिश किया था. 62 में गाजीपुर में इन्होंने जो स्कूल कायम किया उसका नाम था विक्टोरिया. अब देखिए उन्होंने विक्टोरिया क्वीन थी, उसी के नाम पे स्कूल का नाम रखा कि जो है ना ब्रिटेन रूलर जो है वो हमसे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे कि हम इनके अगेंस्ट नहीं है. ठीक है, 62 के बाद एक साल बाद ही 63 में क्या हुआ है, गाजीपुर में ही इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी है जिसका मेन काम ये था कि इंग्लिश की जो बुक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर है, साइंटिफिक किताबें हैं, जितनी भी बुक्स हैं अहम हैं, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना ताकि मुसलमान जो इंग्लिश नहीं भी जानते वो उर्दू में पढ़ के जो है इन चीज़ों को समझें, इनलाइटेंड हो. ठीक है, फिर 63 के बाद 64 गया, 65 गया, दो साल बाद 66 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का क्याम अमल में आया. ठीक है, इन्होंने एक तरह से अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का इशू करना स्टार्ट किया. एक तरह से मैगजीन था जिसमें कॉलम्स छपते थे और जो कॉलम्स थे ना वो एक साइड पे उर्दू में लिखा होता था वही इबारत और एक साइड पे इंग्लिश में लिखी होती थी. अब ये होता था कि जो बंदा उर्दू जानता है और टूटी फूटी अंग्रेजी जानता है ना उसकी इंग्लिश जो है ना वो ठीक होने लगती थी. आप उर्दू में भी वही चीज़ पढ़े, इंग्लिश में भी वही चीज़ पढ़े, तो ये करने की कोशिश की. और फिर इसका एक मकसद ये भी था कि जो अंग्रेज है ना वो भी इस गजट को पढ़ें और हमारे आइडियाज उन तक भी पहुंचे जो हम लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये एक इनकी कोशिश थी. फिर 24 मई 1875 में इन्होंने क्या किया, एमनियो कॉलेज की बुनियाद रखी है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल की बुनियाद रखी है. ठीक है, यह हाई स्कूल दो साल बाद ही 8 जनवरी 1877 को कॉलेज बन गया. और फिर जब इनकी डेथ हुई है 1920 में तो ये एक यूनिवर्सिटी का दर्जा पा चुका था. कितनी जल्दी इसने तरक्की की है. देन हम देखते हैं कि ये 1886, ये डेट बहुत अहम है. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी है क्योंकि ये चाह रहे थे कि मुसलमानों को एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें मुसलमानों के जो भी मसले मसाइल हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए. और अगर मतलब अलीगढ़ को देखते हुए ना बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दी थी, जैसे अंजुमन हमायत इस्लाम और सिंध मदरसतुल इस्लाम और इस तरह के और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए थे. तो वो चाह रहे थे कि सब जो इंस्टीट्यूशन है ना ये एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपस में डिस्कशन करें और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनका हल निकालें, एजुकेशनल इश्यूज का हल निकालें. ठीक है, तो वो एक प्लेटफॉर्म भी बना गए थे और मरते दम तक ये इसके जो है सिक्योरिटी रहे थे. ठीक है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के. देन पॉलिटिकल सर्विसेज में क्या है भाई, पॉलिटिकल सर्विसेज में आप यही देखोगे कि ये मुसलमानों को पॉलिटिकली सुधारना चाह रहे थे. इन्होंने पहले तो मुसलमानों को मना कर दिया कि आपने पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेना. उसकी वजह ये थी कि मुसलमान अभी पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो मॉडर्न डेमोक्रेसी को समझते ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारा अच्छा क्या है हमारा बुरा क्या. तो अच्छा बुरा समझने के लिए ना पहले एजुकेशन चाहिए होती है और एजुकेशन के बाद आप फिर पॉलिटिक्स में आए. और उस टाइम पे वैसे भी कांग्रेस की जमात बन गई थी 1885 में. ठीक है, कांग्रेस बन गई थी तो ये चाहते थे कि मुसलमान कांग्रेस में शामिल ना हो क्योंकि वो एक दूरंदेश इंसान थे सर सैयद अहमद खान. वो समझ गए थे जो कांग्रेस है ना ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है और किसी की नहीं. और आने वाले वक्त ने ये बात साबित की कि सर सैयद अहमद का ये एकदम बिल्कुल सही था, बिल्कुल परफेक्ट था. ठीक है, उन्होंने
जो है ना पॉलिटिकली एक ये भी काम किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया कि आपके साथ जो जंग हुई है ना असबाब बगावत हिंद लिखी थी उन्होंने, और बताया था कि आपकी जो जंग हुई है ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है 1857 में पहली बार के मुसलमानों, सिर्फ मुसलमान नहीं थे उसमें आठ, ठीक है हिंदू भी उतने ही कसूरवार हैं जितने मुसलमान हैं, और उसकी वजह भी यही थी कि हिंदुओं की पॉलिसीज गलत थी, हिंदुओं को यहाँ के कल्चर कस्टम्स और रिलीजन से मोहब्बत के हवाले से पता ही नहीं था कि लोग कितने ज्यादा अटैच अपने रिलीजन से, ठीक है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई थी मैं थोड़ी सी रीजन बता देती हूँ, एक एक चीज वजह बन गई थी कि इन्होंने जो बारूद भिजवाया ना इंग्लैंड से, तो उस बारूद के ऊपर जो सील लगी होती थी ना वो सुअर की चर्बी से बनी होती थी, और उस बुलेट को जब गन में डालना होता था ना उससे पहले मुंह से वो सील हटानी पड़ती, और फिर उस गन को सॉरी उस बुलेट को गन में डालना होता था। अब मुसलमान किस तरह जो है ना वो पिग की जो फैट है उसको मुंह में डाले, और वैसे भी हिंदू तो नॉन वेज खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, वो मुंह में नहीं रख सकते, तो उनका भी धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये एक वजह भी बनी थी, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो सर सैयद अहमद खान ने इन चीजों से पर्दा उठाया है, रिवील की असल रीजन कि ये वजह बनी थी, आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर हिंदुस्तान से जो लोग हैं उनको नुमाइंदा रखने की जरूरत है ताकि यहाँ के कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस हैं उसके हिसाब से लॉज बन सके, ठीक है, इस तरह एनमिटी खत्म होगी। फिर इन्होंने एक रसाला लिखा लॉयल मोहम्मदंस ऑफ इंडिया, इसका क्या मकसद था, ये चाह रहे थे दिखाना कि जो मोहम्मदी है ना, मोहम्मदी यानी कि मुसलमान है इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भी ब्रिटेन गवर्नमेंट से लॉयल हैं। क्या हुआ जो कुछ लोगों ने आपके साथ जंग छेड़ दी, बहुत सारे ऐसे भी तो थे जिन्होंने इस जंग में भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो इस लॉयल मोहम्मदंस ऑफ इंडिया जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा था इसने उन मुसलमानों की सर्विसेज को गिनवाया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इवन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी सिंसियर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन बनाई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसमें मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की तरफ जो है काम किया इन्होंने, फाइन। देन इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया मुसलमानों को कि वो पॉलिटिकली डेवलप कर जाए, वो प्लेटफॉर्म क्या था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, यही कॉन्फ्रेंस थी जिससे मुस्लिम लीग बनी, इसी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग की जो रेजोल्यूशन थी वो पास हुई थी 1906 में। तो एक ये पॉलिटिकल हेल्प हुई इनकी तरफ से। फिर टू नेशन थ्योरी के पायनियर भी यही थे, इन्होंने बताया कि जी कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, वो हमसे बिल्कुल अलग है। इन्होंने कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है ना टू नेशन थ्योरी दी थी, रिलीजन की बेस पे टू नेशन थ्योरी जो है ना वो शेख अहमद सरहिंद ने दी थी। जब अकबर ने ट्राई किया था ना कि दोनों रिलीजन को मर्ज कर दिया जाए तो तब शेख अहमद सरहिंद ने कहा था कि उनका मजहब कुछ और है, हमारा मजहब कुछ और है, हम मजहब की बुनियाद पर हिंदुओं से अलहदा कौम है, इन दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हम लैंग्वेज की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा गेंस थे और इन्होंने मुखालफत भी की थी जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई इंडिया में, तो इनका मानना था कि जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जिसकी तादाद ज्यादा वो हुक्मरान। तो इंडिया में तो किसकी तादाद ज्यादा थी, सॉरी सब कॉन्टिनेंट में किसकी तादाद ज्यादा थी, हिंदुओं की, और अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती तो हर तरह से मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया जाता, वो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकते थे क्योंकि वो एक माइनॉरिटी बन जाते अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती तो। फिर इन्होंने किताब लिखी तबैयन कलाम। अच्छा क्या हो रहा था कि अंग्रेज तो आ गया था सब कॉन्टिनेंट में और वो हिंदुओं को नवाजना था, तो हालांकि आप देखो ना बाइबल को पढ़ो और कुरान पाक को पढ़ो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रिश्चियंस में और मुसलमानों में कॉमन है, और अगर आप किसी क्रिश्चियन को इस्लाम की तबलीग करो ना तो वो थोड़े ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं क्योंकि वो बाइबल में चीजों को पढ़ रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मस्त है ना, सारी तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी तबैयन कलाम, जिसमें इन्होंने बताया कि कुरान पाक और बाइबल दोनों अलग अलग की किताब है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स को कंपेयर किया और फिर प्रूफ किया कि दोनों अलग अलग की किताब हैं और जो है आप दोनों कौमें एक दूसरे से ज्यादा क्लोज टाइज शेयर करती हैं इन मतलब रिलीजन की बेसिस पे एज कम्पेयर टू हिंदू, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ, काफी हद तक इन दोनों के टाइज जो है वो नॉर्मलाइज हुए. और फिर वही बात कि इन्होंने ब्रिटिश रूलर्स और मुस्लिम सब्जेक्ट के दरम्यान एनमिटी को खत्म किया और बहुत काम किया इसको खत्म करने के लिए. देन हमारे पास क्या सोशल रिफॉर्म्स है. सोशल रिफॉर्म्स में हमारे पास क्या है, पहले तो मुसलमान जो है ना बहुत ज्यादा इरेशनल बात है कि जैसे कांच टूट गया तो कुछ अपशगुन हो गया या शगुन हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई है तो मंजिल तक आप सही नहीं पहुंच सकते, और इस तरह की फजूल फजूल बातें. तो इन्होंने कहा कि ये सारी बातें छोड़े, इनमें कुछ भी नहीं रखा, आप रैशनल होके सोचे. जैसे वेस्ट रैशनल है ना, आप भी वेस्ट रैशनल हो जाए. ठीक है, तो मुसलमानों में वेस्टर्न रैशनलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया. इन्होंने मैगजीन एक निकाला तहजीबुल अखलाक, जिनमें मुसलमानों को इन्होंने एक तरह से वेस्टर्न कल्चर भी समझाया. ठीक है, और कॉमन जो एथिक्स होते हैं वो भी समझाने की कोशिश की. ठीक है, तहजीबुल अखलाक में. देन इन्होंने कयामत आम लिखा. ठीक है, इसमें क्या इन्होंने बताया था कि जी मॉडर्न वे में कैसे खाया जाता है. इन्होंने बताया कि आम आदमी के ना जो अंग्रेज है ना वो छुरी कांटे से खाते हैं, और जब उनके सामने मुसलमान हाथ से खाते हैं ना तो इन्हें कराहियत महसूस होती है. तब उनके साथ बैठे तो आप छुरी कांटे से खाए, इसमें कोई मसला नहीं है, फाइन. और ये भी बताया कि आप मुसलमान हैं, इस जो है आप अंग्रेजों के साथ बैठ के खाना भी खाए तो आपका जो रिलीजन है ना उससे कोई मसला नहीं होता. ठीक है, नहीं खत्म होता आपका रिलीजन, आप मुसलमान ही नहीं है. मुसलमानों की सुपरस्टिशियस आउटलुक थी लाइफ की, वो भी खत्म की, लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश की. ठीक है, फिर एक किताब उन्होंने लिखी एकामतामे अहले किताब. ठीक है, इसमें यही उन्होंने बताया कि क्रिश्चियंस के साथ खाना खाना इज नॉर्मल, फाइन. मुसलमानों को लगता था कि हम क्रिश्चियंस के साथ खाना नहीं खा सकते, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, आप खाना बैठ के खा सकते हो. फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा इनका काम था, मुसलमानों के ऑर्फन हाउसेस खोले, क्योंकि उस टाइम पे ना मुसलमानों के कोई ऑर्फन हाउस नहीं थे. तो वो लोग जैसे जिनके माँ बाप मर गए आजादी की जंग लड़ते हुए, तो वो यतीम हो गए, और क्या बहुत सारे यतीम जो बच्चे थे उनको क्या करती थी, वो क्रिश्चियन मिशनरीज आई हुई थी, उन्होंने अपने ऑर्फनेजेस खोले हुए थे, तो वो मुसलमान बच्चों को ना क्रिश्चियन बना के उन ऑर्फनेजेस में रखते थे और वो ये तालीमात देते थे. तो मुसलमान बच्चे जो है ना वो क्रिश्चियन हो रहे थे. तो इन्होंने जब ये देखा ना तो इन्होंने कहा कि भाई हम अपने ऑर्फनेजेस खोलेंगे जिसमें मुसलमान ऑर्फन्स को मुस्लिम एजुकेशन भी दी जाएगी. तो इन्होंने इस तरह के काफी सारे ऑर्फन हाउसेस खोले और वहां पे जो है स्कूल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया कि उन ऑर्फन हाउसेस से उनको एजुकेशन भी दी जाती. ठीक है, ताकि जो मुसलमान बच्चे हैं वो मुसलमान ही रहे, वो क्रिश्चियन ना हो. अच्छा जी, इफेक्ट क्या थे अलीगढ़ मूवमेंट के. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टाइज तो इम्प्रूव हो गए, इसी पे फोकस किया हुआ था, तो मुसलमानों और ब्रिटिश के टाइज इम्प्रूव हो गए. पहले मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, पॉलिटिक्स में नहीं आने दे रहे थे, जॉब्स के मौके नहीं थे, मिलिट्री में नहीं जाने दे रहे थे, सन्नतें तबाह, ज़रात तबाह, वो सब बेहतर होना शुरू हो गया, फाइन. फिर आप ये भी देखते हो कि मुसलमान जो हैं उनमें एक रैशनैलिटी आ गई, वो एजुकेटेड हो गए, जैसे कायदे आजम, अलामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर थे, और भी ये देख लें जितने भी लीडर्स हैं वो सब के सब कहाँ से आए, वो जो है अलीगढ़ मूवमेंट की वजह से आए, वो सब एजुकेटेड और रैशनल हो गए थे. फिर जब मुसलमान पढ़े लिखे हो गए तो उनपे नौकरी के भी मौके ज्यादा खुलने लगे. ठीक है, जॉब चांसेस ज्यादा मिलने लगे, इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग हो गई मुसलमानों की. फिर जब मुसलमानों ने देखा कि हम वो टू नेशन थ्योरी का एक असर था ना, कि मुसलमान एज अ नेशन इमर्ज करना शुरू हो गए, उन्हें पता लग गया कि मुसलमान अब मतलब मुसलमान के भाई है, हिंदू मुसलमान का कोई भाई नहीं बन सकता, ना अंग्रेज मुसलमानों का कोई सगा है. देन मुसलमानों ने सोशली भी डेवलप किया, वो सुपरस्टिशियस जो आउटलुक थी वो खत्म हो गए. इंपॉर्टेंट लीडर्स जो पाकिस्तान मूवमेंट के थे वो सब यहीं से आए. फिर मुसलमानों के जो इस मूवमेंट की वजह से जो राइट्स थे, जॉब, रिप्रेजेंटेशन, सब जो है ना सेफ गार्ड हो गया. मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने फर्स्ट टाइम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मुसलमानों को, जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी बाद में. ठीक है, नवाब वकारुल मुल्क ने दी थी इसकी रेजोल्यूशन, तो वो सॉरी नवाब वकारुल मुल्क ने एक्सेप्ट की थी और सलीम उल्लाह खान ने रेजोल्यूशन दी थी इसकी इसकी जो है मीटिंग में, इसका सेशन हुआ था जो.
देन सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी जब मुसलमानों ने जो है वो अपने आप को समझा कि हम पॉलिटिकली अब ठीक हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। शिमला डेपुटेशन में गए थे सराहा खान की क्यादत में, जाके मिले थे वॉस से, उससे डिमांड की थी, तो उसने भी यकीन दिलाया था कि हाँ आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइज बेहतर हो गए थे। सर सैयद अहमद खान की कोशिश थी ना, टाइज बेहतर हो गए, वो भी बात मान गया। मुसलमानों को जब यकीन हो गया कि भाई अब हमें जो है हमें पॉलिटिकल पावर मिलने लगी है, तो उन्होंने वापस जाके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी और टू नेशन थ्योरी को पॉपुलैरिटी मिल गई इनकी एफर्ट की वजह से। जी कुछ लोग कहते हैं सर सैयद अहमद खान तो प्रो ब्रिटिश थे, ठीक है वो तो सही से मुसलमान भी नहीं थे, वो तो प्रो ब्रिटिश थे, तो इसका मतलब इसके लिए वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? ये हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कि सर सैयद अहमद खान प्रो ब्रिटिश थे या नहीं, आपका क्या ख्याल है? तो जो प्रो ब्रिटिश के वाले से आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जी वो तो सिविल सर्वेंट थे, वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर सदर सुदूर भी रहे हैं, अंग्रेजों की जॉब करते रहे, सेशन जज थे, सदर सुदूर सेशन जज थे, वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बैठे हैं 1878 में, ठीक है, फिर सिविल सर्विस कमीशन में भी थे, तो हर जगह वो अंग्रेजों के नीचे ही लगे हुए हैं। इंग्लिश को लैंग्वेज के तौर पे वो प्रमोट करते रहे, कहते थे कि आप वेस्टर्न कल्चर सीखें, वेस्टर्न लैंग्वेज सीखें, वेस्ट की तरह खाएं, वेस्ट की तरह सोचें, सब कुछ वेस्ट की तरह करें और वेस्ट के साथ लॉयल हो जाएं, जैसे अंग्रेज गवर्नमेंट है उसके साथ लॉयल हो जाएं, आप उससे क्यों लड़ रहे हैं, आप उसकी जो है बड़ाई तस्लीम कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर के बहुत ज्यादा फॉन्ड थे, वैसे रहने पर तरकीब दे रहे थे, फिर स्टॉन्च प्रमोटर थे वेस्टर्न रैशनलिज्म के और वेस्टर्न एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे थे, और मुसलमानों को कह दिया था कि आप पॉलिटिक्स में ना आए, अंग्रेजों को ही पॉलिटिक्स करने थे और हिंदुओं को। तो इन आर्ग्यूमेंट्स का क्या जवाब है? इन आर्ग्यूमेंट्स का सीधा सीधा जवाब ये है कि भाई वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे थे, अपने लिए नहीं बैठे थे, अपनी तनख्वाह के लिए नहीं बैठे थे, वो वहां मुसलमानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। कानून बनना है तो वहां पर मुसलमान भी तो मौजूद हो जो कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन में के लिए मौजूद हो, तो वहां मौजूद थे। सिविल सर्विस कमीशन में अगर वो बैठे हुए थे तो मुसलमानों के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बैठे हुए थे। अगर वहां कोई बंदा ही ना होता मुसलमानों के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, तो कौन आवाज उठाता मुसलमानों के लिए? तो वो वहां मौजूद थे, ही वाज अ वॉइस फ्रॉम मुस्लिम्स। देन नो डाउट कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया, एम्फेसिस दिया उसके ऊपर कि उसे सीखे सब मुसलमान, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप उर्दू को छोड़ दें। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिससे उन्होंने उर्दू को प्रमोट करने की कोशिश की है, ठीक है, और उर्दू में लिखी है। इनकी अपनी जो बायोग्राफी है हयात जावेद, इनकी बायोग्राफी जो कि अल्लाह हुसैन ने लिखी है, वो भी उर्दू में है, ठीक है। ये कैसे क्यों है ये आप जहन में रखिएगा कि इनकी बायोग्राफी हयात जावेद अल्लाह हुसैन ने लिखी है, इसका इस्लामिक बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है। देन इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट किया क्योंकि ये समझते थे कि वो तो रूलर्स की लैंग्वेज है, और अगर आप रूलर्स की लैंग्वेज ही नहीं जानते तो रूलर क्या आपकी लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है। आपको कम्युनिकेट करना है, आप उनसे उनकी जबान में बात करोगे कि अपनी जबान में बात करोगे, वो आपकी जबान सीखेंगे। तो वो इस चीज में प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे, तो इसलिए उन्होंने एम्फसिस किया कि आप सीखें जबान को। और जबान सीखना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे सहाबियों को ताकीद की थी कि वो इब्रानी जबान और दूसरी लैंग्वेज सीखे ताकि वो वहाँ प्रीच कर सके और उनको समझ सके, उन लोगों को, उनके कल्चर को, ठीक है। फिर वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश लॉयलिटी को, क्यों? क्योंकि राइट्स किधर से मिल रहे हैं? गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। अगर आप उसके साथ लॉयल ही नहीं हो तो वो राइट्स देगी आपको? कभी भी नहीं देगी। तो राइट्स चाहिए तो लॉयल हो जाओ। एक वक्त है ना, कहते जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो समझ लें कि गधे को बाप बना रहे हैं। फिर वेस्टर्न कल्चर सिखाया था, लेकिन मतलब जोर दिया था वेस्टर्न कल्चर को सीखे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो तहजीबुल अखलाक वो मैगजीन लिख रहे हैं उसमें तो वो कह रहे हैं कि लोकल एथिक्स भी समझे, उन्होंने अपने तो मैगजीन में लोकल एथिक्स सिखाया लोगों को, ठीक है। तो अगर वो एक साइड पर है तो दूसरी साइड को भी प्रमोट करें। फिर क्या है, उन्होंने वेस्टर्न रैशनलाइजेशन को बहुत ज्यादा फोकस दिया था, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था आप इमोशनल रिएक्शन जब देते हो ना चीजों को, तो चीजें खराब कर देते हो, प्रॉब्लम्स को मजीद प्रॉब्लमैटिक बना देते हो, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठंडे दिमाग से चीजों के बारे से सोचें, फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स से, कोई मसला नहीं है इसमें, इस तरह रैशनलाइज होने में क्या इशू है। हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है, बस हमने उसको समझने की कभी कोशिश नहीं की।
फिर वो मुसलमानों को हर महाज पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर एडवाइस भी तो कर रहे थे कि पॉलिटिक्स से अवे रहे, लेकिन वो एडवाइस कर रहे थे कि टाइम फॉर द टाइम भी ना पॉलिटिक्स से दूर रहे। जब आप एजुकेट हो जाए, जब आपको पॉलिटिक्स की समझ आने लग जाए, तो आप पॉलिटिक्स में आ जाए। और उन्होंने ही तो प्लेटफॉर्म दिया था जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है, जिससे सारे के सारे लीडर्स आए हैं, मतलब मुसलमानों के जितने भी लीडर्स आए हैं पाकिस्तान मूवमेंट के, वो सब इन्हीं के तो प्लेटफॉर्म से आए, इन्हीं के तो स्टार्ट करदा तहरीक थी, मूवमेंट थी, जिससे सारे लीडर्स हमें मिले हैं। फिर वो चाहते थे कि मुसलमान जो है वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि रूलर्स को जब लगेगा कि ये तो हमारे जैसे हैं, तो वो दुश्मनी खत्म कर देंगे उनके साथ। ठीक है, फिर इन्होंने बहुत काम किया कि मुसलमानों को और इस्लाम को अटैक्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट से बचाएं। जो वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट थे वो मुसलमानों के खिलाफ लिख रहे थे, इस्लाम के खिलाफ लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, बातें फैला रहे थे फजूल फजूल सी। तो इन्होंने भी फिर किताबें लिख लिख के उन्हें जवाब दिए, मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया, इस्लाम को प्रोटेक्ट किया। तो कुछ किताबें हैं सर सैयद अहमद खान की जो कि एमसीक्यू के वजह से बहुत अहम है। सबसे पहले तो इन्होंने बुक लिखी है असरार उस्सनादीन, जिसमें इन्होंने दिल्ली हिस्ट्री और मौलिया आर्किटेक्चर को डिस्कस किया। फिर तबय्यने कलाम लिखा है, जिसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं कि कुरान और बाइबल का कंपेरिजन है, और समझते हैं कि बाइबल की तफसीर है। आईने अकबरी है, इसको लिखा नहीं था, इसको इन्होंने कंपाइल किया था, ये फैज फैज फैजी ने लिखा था जब अकबर का दौर था उसके टाइम। तफसीर कुरान इन्होंने 7 वॉल्यूम्स में पब्लिश किए हैं, और साइंटिफिक और रैशनल बेसिस के ऊपर इन्होंने तफसीर लिखी है। खुद बात है अहमदिया, ये सरमन से इन्होंने लिखे नहीं थे, इन्होंने दिए थे विलियम म्योर ने ना उस टाइम पे हजरत वसल्लम की लाइफ के हवाले से कुछ बकवासियात लिखी थी किताब में, तो फिर इन्होंने कलम का जवाब एक तरह से कलम से दिया, तो ये बाद में एक बुक की तरह पब्लिश हुआ, और इसका फिर इंग्लिश में भी तर्जुमा इन्होंने खुद ही करवाया था। फिर रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ लिखा था कि ताकि मुसलमान जो है वो प्रॉपरली करेक्ट हो जाए, जो ये सुपरस्टिशियस आउटलुक है और जो इनकी मोरालिटी जो है वो डिक्लाइन हुई है वो खत्म हो जाए। अस्बाब बगावत हिंद लिखी कि मतलब अंग्रेजों को बता दें कि रियल रीजंस क्या थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे। फिर लॉयल मॉर्मन्स ऑफ इंडिया लिखी, जिसमें इन्होंने बताया कि बहुत सारे मुसलमान आपके साथ लॉयल भी थे, चाहे जिन्होंने लड़ाई भी की थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सर सैयद अहमद खान पे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर जो भी सवाल है आपकी नजर में जो है अहम है, आपको लगता है कि मैंने कर नहीं कराया या कोई मसला रह गया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।